ये क्या गजब हो गया। कड़वे नीम का सूखा पेड़ दूध की सफेद धारा उगलने लगा। जरा गौर से देखिए, पेड़ की ऊंची टहनियों से झरझर बह रही ये दूधिया धारा तने से होते हुए जड़ों के पास मिट्टी में समा रही है। पत्तों और टहनियों के बीचों बीच से दिन और रात लगातार फूट रही इस दूधिया धारा ने कैमूर के ग्रामीणों को अचरज में डाल दिया है। आज तक निम्बोली जैसे कड़वे फल से दांत खट्टे करने वाले इस पेड़ को आखिर हो क्या गया है जो अचानक कड़वाहट छोड़कर सफेद धारा बहाने लगा। नीम के पेड़ के इस बदले हुए रूप से हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है, कोई इसे अजूबा बता रहा है तो कोई ऊपर वाले का चमत्कार। तभी तो भक्तों ने पेड़ की जड़ों पर अगरबत्ती जला दी तो सिक्कों और नोटों की बारिश होने लगी। छोटा छोटा बच्चा था, पहले खेलने आया था, तो अपने घर जाकर बोला ना अपने मम्मी पापा से, तो उनके मम्मी पापा लोग एक दो लोग आए देखने यहाँ पे, तो एक दो लोग के बाद देखने के बाद वो लोग जाकर मतलब ग्रामीण सब बहुत सारे लोग को बताए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए भी देखे भी। ये नजारा है मोहनिया के मुजान गांव का। गांव से दूर हरे भरे खेतों के पास खड़ा नीम का ये विशालकाय पेड़ सालों से राहगीरों को शीतल छांव देता आया है। उसी पेड़ से पिछले दो तीन दिनों से अचानक दूधिया धारा बहने लगी। जब मैदान में खेलने वाले बच्चों ने ये करिश्मा देखा तो परिजनों को बताया और देखते ही देखते नीम के पेड़ के चमत्कार की खबर पूरे गांव और पंचायत में फैल गई। फिर तो कारामाती पेड़ को करीब से देखने और समझने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। आपके कबो अपना जीवन में देखले रही पहलाऊ का आदमी नहीं बताओ तरीका कभी नहीं भाई। नहीं। कितना दिन से बवा होत बा ये तो हम रोले है ना, लेकिन बताओ तो दिन तीन चार दिन आज रुआ देखे ही नहीं। हाँ रुआ देख लेनी कबो ऐसा जिंदगी में देख ले नहीं। पूजा पाठ करी ला ना कबो कहला तो कहीं पूजा करत पेड़ के देख ले दूध दे। नीम के पेड़ से बह रही सफेद धारा दरअसल है क्या? फिलहाल इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस चमत्कार को नमस्कार करने वालों का तांता जरूर मुजान गांव में लगने लगा है। अभिनव सिंह, न्यूज 18, कैमूर। गोपालगंज के हथुआ मार्केट में हवाई फायरिंग करते हुए नकाबपोश अपराधियों ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरी चिट्ठी फेंकी, जिसमें 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इससे गोपालगंज के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। रात के 9 बजे हैं, हथुआ मार्केट में संध्या स्वीट शॉप में ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी दो दो नकाब पोश आधम के गेट